Find the displacement of the waves when small m is come out of the waves. There is no friction anywhere. कहीं कोई friction नहीं है. ये पूरा एक surface है, smooth surface पर एक waves है और ये theta degree पर रखा हुआ है. समझना, ये angle obviously theta degree है और ये capital M का waves है. Pulley mass less है, string mass less है. दो छोटे छोटे block हैं जिनका mass equal है m और a length l है. ठीक है, this length है. अब जब ये वाला block इधर आएगा, ये वाला block इधर आएगा तो ये इधर निकलेगा यार. ठीक है, और ये जब l length आ जाएगा, ये जो length है l है, तो ये कहीं इधर आ जाएगा. मान लो कहीं इधर आ जाएगा. ठीक है, ये तो ये horizontal कितना displace हुआ. ठीक है, horizontal displace अगर ये theta है तो horizontal displacement जो आ जाएगा इसका, वो ये वाली length l ही आएगी, ये वाली length l आएगी. ठीक है, तो ये जो horizontal displacement of the block आ जाएगा, वो आ जाएगा l cos theta. Horizontal display, ये string EL इधर से आएगी, तो ये string EL इधर आ जाएगी. ठीक है, तो ये string अगर EL इधर आ जाएगी तो EL cos theta horizontal displace होगा. एक ही string है यार. चलो, तो ये अब इस पे हम लगा दें अपना concept, क्या center of mass. इसको ले जाके rough surface पे रख दो, fix कर दो. तो displacement of center of mass rough surface पे कितना आ जाएगा? पहला वाला किधर आया? इधर आया x. इधर मैं negative लेता हूँ तो minus m l, कोई दिक्कत नहीं. दूसरा वाला यहां था और बाद में इधर आ गया पॉजिटिव x, तो ये प्लस m l cos थीटा. और वेज क्या है? रेस्ट में है. तो तीसरा वाला मास रेस्ट में है. डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द मासेस, कैपिटल m प्लस 2m के इक्वल आ जाएगा. मतलब अगर मैं इसमें नेगेटिव साइन लगाऊं, नेगेटिव साइन लगाऊं, तो ये आ जाएगा स्मॉल m l माइनस m l cos थीटा और डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2M. दिस इज द नेगेटिव. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट, इसका प्लस होगा. मतलब ML ML और ML माइनस ML cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2M के इक्वल आएगा. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट.